हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप। म्यांमार में बर्मा में एक अनोखी रवायत है। वो ये कि जब वहाँ किसी को ये लगे कि उसके घर पर बदरूहों ने या ईवल स्पिरिट्स ने कब्ज़ा कर लिया है, तो वो एक हैरतअंगेज़ काम करता है। वो अपने घर की किसी खिड़की में खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से बर्तन बजाने लगता है, आवाज़ पैदा करता है। म्यांमार के लोगों का मानना है कि इस तरीके से ये बदरूहें घर से निकल जाती हैं। म्यांमार के लोगों ने इसी तरीके को अपनी नई फौजी हुकूमत गासिब हुकूमत के खिलाफ सिंबॉलिक एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया है। 1 फरवरी 2021 को बर्मा में मार्शल ला नाफिज किया गया और अगले रोज़ 2 फरवरी को रात 8 बजे यही बर्तन बजाने वाला एहतजाज शुरू हो गया। शहरी फौज के खिलाफ सड़कों पर तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी खिड़कियों में खड़े होकर बर्तन पीटना ज़रूर शुरू कर दिए। उनका साथ देने के लिए सड़कों पर से गुजरती गाड़ियों ने हॉर्न बजाए और साइकिल सवारों ने अंगूठे से टन टन घंटियां बजाना भी जारी रखा। गोया मुल्क पर फौज नहीं, भूतों का कब्जा हो गया है। इस एहतजाज से शहरियों ने फौजी हुकूमत को ये पैगाम दिया कि वो इसे एक बुराई समझते हैं और इसे छुटकारा पाने के लिए अपनी रवायत के मुताबिक बर्तन बजा रहे हैं। बर्तन बजाने के अलावा म्यांमार में सिविल नाफरमानी, सिविल डिसओबीडियंस की एक तहरीक भी दोस्तों चल पड़ी है, जिसमें सरकारी मुलाज़मीन फौज से तआवुन करने से इनकार कर रहे हैं। 70 हस्पतालों का अमला भी स्ट्राइक पर चला गया है। लेकिन दोस्तों, सिविल नाफरमानी की तहरीक और शहरियों के बर्तन बजाने के बावजूद म्यांमार पर फौजी गासिब हुकूमत का आसेब बरकरार है। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक म्यांमार की मकबूल तरीन सियासी रहनुमा आंग सान सू ची अपने घर में नज़रबंद हैं, जबकि म्यांमार की पार्लियामेंट के अराकीन, जिन्होंने 1 फरवरी को हलफ उठाना था, उन्हें उनकी सरकारी रहायशगाहों ही में कैद कर दिया गया है। इक्तदार पर कब्ज़े के लिए फ़ौज ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जमहूरी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 2020 में होने वाले इलेक्शन में धांधली की थी, इसलिए हुकूमत का तख्ता उलटना ज़रूरी हो गया था ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन दोबारा करवाए जा सकें। इस इलेक्शन में, यानी 2020 के इलेक्शन में, म्यांमार की रहनुमा आंग सान सू ची की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या NLD ने पार्लियामेंट में 70% से जायद, more than 70% सीट्स जीत ली थी। फौज की हमायत याफ्ता सियासी जमात यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगाए, मगर इस धांधली के कोई सबूत पेश नहीं किए। म्यांमार के इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इलेक्शन में कोई मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड धांधली नहीं हुई, सिर्फ वोटर लिस्टों में कुछ बेजाबतगियाँ हैं जो माइनर इशूज़ थे। इसके बावजूद फ़ौज ने हुकूमत का तख्ता उलटने की बातें शुरू कर दी। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की नई पार्लियामेंट ने हलफ उठाना था, मगर इससे पहले ही फ़ौज ने इक्तदार पर शब खून मारा और कब्ज़ा कर लिया। फ़ौज का कहना है कि एक साल के अंदर इलेक्शन करवा के वो इक्तदार मुंतखब नुमाइंदों को सौंप देंगे। तो दोस्तों, हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि आखिर म्यांमार की फ़ौज बार बार हुकूमत पर कब्ज़ा क्यों करती है और सू ची की हुकूमत को तस्लीम करने में उन्हें क्या लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो माई क्यूरियस फेलो, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि 2016 में सू ची की पार्टी को जो हुकूमत मिली थी, इससे पहले वाले इलेक्शन में, ये म्यांमार की सियासी तारीख का एक अहम तरीन वाक़या था। इसकी वजह यह थी कि म्यांमार में 1962 से लेकर 2011 तक मुसलसल 49 ईयर्स फौजी हुकूमत कायम रही है। इसके बाद 2011 में फौजी हुकूमत तो ख़त्म हो गई, मगर जो सियासी हुकूमत बनी वो भी एक तरह से फौजी हुकूमत ही थी, क्योंकि उसे भी रिटायर्ड जर्नैल ही चला रहे थे। ये हुकूमत 2016 तक कायम रही, यानी 1962 से 2016 तक कोई 54 वर्ष, 54 ईयर्स फ़ौज ने डायरेक्ट रूल किया बर्मा पर या इनडायरेक्ट रूल किया। 2010 के बाद सू ची से फ़ौज के मुज़ाकरात भी बैकडोर चैनल से चलते रहे। अब सू ची तो आप जानते हैं कि म्यांमार की एक मकबूल शख्सियत हैं। उनके वालिद आंग सांग ने 1947 में म्यांमार की आज़ादी के लिए जान दी थी। उनके कत्ल के 6 माह बाद म्यांमार आज़ाद मुल्क बन गया था।
तो म्यांमार की अवाम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें हीरो जैसा रुतबा देते हैं। तो 1990 में जब म्यांमार में इलेक्शन हुए थे तो उसमें भी सूची ने पार्लियामेंट में 80% नशिस्तें जीत ली थी, लेकिन फौजी हुकूमत ने ये नतायज रिजेक्ट कर दिए। मिलिट्री ने इन्हें इक्तदार मुंतकिल नहीं किया बल्कि इन्हें नज़रबंद करके इलेक्शन रिजल्ट्स को कलदम नल एंड वाइड करार दे दिया था। सूची फिर अगले 20 वर्ष तक वक्फे वक्फे से अपने घर पर नज़रबंद होती रहीं, यानी हाउस रेस्ट में रहीं। तो अब फौज जानती थी कि सूची म्यांमार की मकबूल तरीन रहनुमा है और आखिरकार उन्हें हुकूमत में शामिल करना ही पड़ेगा। सूची को हुकूमत देने के हवाले से फौज पर भरपूर इंटरनेशनल प्रेशर भी था, मगर फौज, बर्मा की फौज, अपने मुफादात के तहफ्फुज़ के बगैर सूची को हुक्मरान बनाने पर तैयार नहीं थी। चुनाचे बैकडोर चैनल्स के ज़रिए फौज ने उन्हें कई तरह के समझौतों पर राज़ी कर लिया। पहला समझौता तो था पार्लियामेंट की नशिस्तों के हवाले से। दोस्तों, म्यांमार में 2008 में फौजी हुकूमत ने जो आईन तैयार किया था उसमें यह तय किया गया था कि पार्लियामेंट की 25% नशिस्तें फौज को मिलेंगी, वजारतों में भी 25% हिस्सा फौज को दिया जाएगा। फौज चाहती थी कि सूची इस आईनी शिक को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। ये चूंकि आईन में शिक मौजूद थी तो ये समझौता वो कर लें, फौज ये चाहती थी। सूची ने हुकूमत हासिल करने के लिए, या यूं कहें कि जमहूरियत की बहाली के लिए, फौज की ये शर्त तस्लीम कर ली। दूसरा समझौता ये था कि फौज हुकूमत के कंट्रोल से आज़ाद रहेगी और पुलिस का महकमा भी फौज ही के कंट्रोल में होगा। ये एक गैर मामूली समझौता था, यानी जिसके हाथ में हुकूमत है उसके हाथ में ताकत नहीं होगी, ऐसी बात थी। लेकिन देखिए कि आंग सूची इस समझौते पर भी तैयार हो गई। लेकिन दो समझौतों के बाद भी फौज सूची को हुकूमत देने पर तैयार नहीं थी। उन्होंने तीसरी और सबसे अहम शर्त यह रख दी कि सूची मुल्क की अब सदर भी नहीं बन सकती। सूची को सदारत से दूर रखने के लिए फौज ने यह बहाना तराशा था कि चूंकि सूची के शौहर और बच्चे बरतानवी शहरी हैं, इसलिए वो सदर नहीं बन सकती। फौज ने सूची को टारगेट करने के लिए 2008 के आईन में ये बात शामिल कर दी थी कि कोई भी ऐसा शख्स जो खुद गैर मुल्की शहरी हो, उसके वालदैन, शरीक हयात या बच्चों में से कोई गैर मुल्की शहरी हो, तो वो मुल्क का सदर नहीं बन सकता या बन सकती। अब सूची के शोहर माइकल हैरिस, जिनसे उनकी 1972 में शादी हुई थी, वो बरतानवी शहरी थे। सूची के दोनों बेटे भी बरतानवी शहरी थे और जब सूची को नज़रबंद किया गया बर्मा में तो उनके बेटे बरतानिया में उनके शौहर के पास ही रहते थे। 1999 में सूची के शौहर का इंतकाल हो गया, मगर बच्चों की बरतानवी शहरियत तो बरकरार थी। तो इसी बात को सामने रखते हुए फ़ौज ने गैर मुल्की शहरियत वाली बात आईन में शामिल कर दी थी ताकि सूची यानी एक मकबूल अवामी रहनुमा सदर ना बन सके। तो दोस्तों, सूची ने जमहूरियत की बहाली के लिए ये कड़वा घूंट भी भर लिया और फौज के तैयार करदा आईन को तस्लीम करके वो सदारत की उम्मीदवार भी नहीं बनी, यानी उनकी पार्टी से किसी और को बनाया जाना था अब सदर। वही दोस्तों, मकबूल लीडर्स को -1 करने का कदीम फाशिस्ट आमरियत का फॉर्मूला बर्मा की फौज इस्तेमाल कर रही थी। इन तीन समझौतों, यानी फौज को हुकूमत में 25% हिस्सा देने, पुलिस पर फौज का कंट्रोल तस्लीम करने और सदारत की कुर्सी छोड़ने के अलावा भी सूची ने एक चौथा समझौता किया। वो चौथा समझौता ये था कि वो म्यांमार की फौज को हर आलमी फोरम पर डिफेंड करेंगी। अब आप जानते हैं कि म्यांमार की फौज काफ़ी अरसे से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकामी लोगों पर जुल्म ढा रही है और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियाँ भी कर रही हैं। ख़ास तौर पर वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की तो बाकायदा नस्लकुशी उनकी फ़ौज ही कर रही है। फ़ौज चाहती थी कि सूची इंसानी हकूक की इन खिलाफ वर्जियों को जस्टिफाई करें और फ़ौज का दिफा करें। सूची ने यह बात भी मान ली। यही वजह थी कि सूची को जब इक्तदार मिलने की उम्मीद हो गई तो उन्होंने हर जगह बड़ी ढिटाई से म्यांमार की फ़ौज को डिफेंड करना शुरू कर दिया। हत्ता कि म्यांमार की रखाइन स्टेट, जो पहले अराकान स्टेट कहलाती थी, उसमें रोहिंग्या मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे थे उसे भी सूची ने बड़ी संगदिली से जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले का एक अहम वाकया 2013 में पेश आया था, जब सूची ने बीबीसी की नुमाइंदा मिशाल हुसैन को एक इंटरव्यू दिया।
इस इंटरव्यू में जब मिशाल हुसैन ने उनसे रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से कुछ सख्त सवालात किए तो सूची परेशान हो गई। वो इंटरव्यू के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को डिफेंड करती रहीं, लेकिन जब वो इंटरव्यू से निकली तो उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा कि मुझे पहले किसी ने नहीं बताया था कि मेरा इंटरव्यू एक मुस्लिम खातून ने लेना है। सूची के इस रवैये ने दुनिया भर में इंसानी हकूक के कारकुनों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। लेकिन दोस्तों, अभी मामला सूची के लिए इससे भी ज़्यादा ख़राब होना था। 2015 में म्यांमार में इलेक्शन हुए तो सूची की पार्टी NLD को 1990 जैसी कामयाबी मिली। दोस्तों, ये वही इलेक्शन है जिसके बाद इक्तदार 2016 में ट्रांसफ़र हुआ था। तो उस इलेक्शन में सूची की पार्टी ने 70% से ज़ायद नशस्तें जीतकर हुकूमत बनाना थी। सूची फौज से समझौते की वजह से सदर तो नहीं बनी, लेकिन उन्हें स्टेट काउंसलर यानी म्यांमार की वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। इसके अलावा उन्हें वजारत खारजा और कुछ मजीद वजारतें भी दे दी गई। हुकूमत मिलने के बाद सूची फौज की स्पोक्स पर्सन बन गई और हर फोरम पर उनकी हमायत में तकरीरें करने लगी। 2019 में जब हेग की आलमी अदालत इंसाफ में ये मुकदमा दायर किया गया कि म्यांमार की फौज रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी जेनोसाइड कर रही है, तो सूची ने इस मुकदमे को मुस्तरद कर दिया। वो खुद एक वफ्द लेकर आलमी अदालत इंसाफ में गई और वहाँ ये कहा कि म्यांमार की सूरत हाल बहुत पेचीदा है, इसे नस्ल कुशी या जेनोसाइड हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, उन्होंने लड़ाई शुरू करने का इल्ज़ाम भी रोहिंग्या मुसलमानों पर आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों की अराकीन रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी या ARSA ने फौज पर पहले हमले किए थे और इसके जवाब में बर्मा की फौज को म्यांमार की फौज को कार्रवाई करना पड़ी। तो इस तरह सूची ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई को डिफेंड करके दुनिया भर में इंसानी हकूक के अलमबरदारों को हैरान और परेशान कर दिया। सूची के इस रवैये की वजह से आलमी सतह पर यह मुतालबा किया जाने लगा कि इन्हें अमन का नोबेल प्राइज़ जो 1991 में दिया गया था 1991 में, वो इनसे वापस ले लिया जाए। सूची की खुशकिस्मती कि ये अवार्ड वापस नहीं हो सका, क्योंकि नोबेल प्राइज़ एक मर्तबा जिसे दे दिया जाता है फिर वापस नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए सूची का नोबेल प्राइज़ तो बच गया, मगर सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन की तरफ से उन्हें दिया गया एक एजाज़ वापस ले लिया गया। इसके अलावा उन्हें दुनिया भर में शदीद तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा। यानी अपनी फ़ौज की हमायत में सूची ने अपना वक़ार और आलमी शोहरत, अपनी साख, सब कुछ दाव पर लगा दिया और सिर्फ बदनामी मोल ली, सिर्फ इसलिए कि वो इक्तदार में रह सके। लेकिन इन सारी कोशिशों का फल उन्हें नहीं मिला, क्योंकि सब के बावजूद भी फ़ौज ने उन्हें इक्तदार से अलग कर दिया। सिर्फ 5 बरस इक्तदार से दूर रहने के बाद फ़ौज फिर हुकूमत में वापस आ गई। आखिर क्या वजह थी कि सूची ने सब कुछ किया, बदनामी तक मोल ली, लेकिन फिर भी फ़ौज को खुश ना कर सकी? कुछ वजह तो होगी ना इसकी? तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि म्यांमार की फ़ौज के सियासी और मुआशी मफादात इतने गहरे हैं कि वो किसी सूरत इक्तदार में सियासतदानों की शिरकत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि म्यांमार की फ़ौज के सियासी और मुआशी मफादात इतने गहरे हैं कि वो किसी सूरत इक्तदार में सियासतदानों की शिरकत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। चाहे सियासतदान कितने भी समझौते क्यों ना कर लें, म्यांमार की फ़ौज मुतमईन नहीं हो सकती। अब म्यांमार के मुफादात क्या हैं उनकी फ़ौज के? बज़ाहिर तो उन्हें मुल्क के दिफा से सरोकार होना चाहिए, लेकिन नहीं। बर्मा में प्रॉपर्टी का बिज़नेस, पेट्रोल सप्लाई का कारोबार, शुगर मिल्स का धंधा और दूसरे बड़े बड़े कारोबार या तो फ़ौज बराह रास्त चला रही है या फिर उनकी पार्टनरशिप से ये चल रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो म्यांमार की फ़ौज 2 ऐसे बड़े मुआशी इदारे चला रही है जो तकरीबन हर शोबे में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें एक इदारा है म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स और दूसरा है म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये दोनों इदारे कम अज़ कम 106 मुख्तलिफ किस्म के बिज़नेस और कंपनीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तंबाकू, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल समेत ज़िंदगी के हर दूसरे शोबे में उनके तिजारती मुफादात कायम हो चुके हैं।
हत्ता के मुल्क की तमाम बंदरगाहों और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पर भी बर्मा की फौज का कंट्रोल है दिफा के नाम पर। गैर मुल्की हुकूमतों और इदारों का कहना है कि बर्मा की फौज के ये दोनों मुआशी इदारे करप्शन का गढ़ हैं। इन इदारों के ज़रिए फौजी अफसर जायज़ और नाजायज़ दोनों तरीक़ों से बेपनाह दौलत कमा रहे हैं, लूट रहे हैं। इन इदारों में फ़ौज के तमाम आला फौजी अफसरों के शेयर हैं। म्यांमार की फ़ौज के मौजूदा कमांडर इन चीफ जनरल मिंग ओंग लाइंग का शुमार भी इन इदारों के मालिकान में किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से म्यांमार की फ़ौज ने मुल्क के पूरे मुआशी निज़ाम को अपने शिकंजे में ले रखा है। फ़ौज के ज़्यादातर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स इस बहती गंगा से हाथ धो रहे हैं। म्यांमार की फ़ौज कारोबार में इस हद तक धंस चुकी है कि फ़ौज में बटालियन लेवल तक तकरीबन हर फौजी दस्ता बाकायदा तौर पर कोई ना कोई बिजनेस चला रहा है या किसी को सपोर्ट कर रहा है। हाल ये है कि अगर आपने म्यांमार में कोई कारोबार करना हो तो वहाँ की फ़ौज की मर्ज़ी या उसकी सरपरस्ती के बग़ैर मुमकिन नहीं। वहाँ की फ़ौज कानूनी के साथ साथ दोस्तों गैर कानूनी कारोबार पर भी अपना ही सिक्का जमाए हुए है। जी हाँ, मंशियात की पैदावार और स्मगलिंग में भी बर्मा की फ़ौज हिस्सेदार है, क्योंकि स्मगलिंग के रास्ते उन्हीं के कंट्रोल में हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए शायद ये खबर नहीं हो कि म्यांमार अफ़गानिस्तान के बाद अफ्यून पैदा करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। म्यांमार से अफ्यून, हीरोइन और दीगर मंशियात बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और जापान की मंडियों में सप्लाई होती हैं। माहरीन का अंदाज़ा है कि म्यांमार से हर साल 60 अरब डॉलर से ज़ायद की मंशियात दुनिया भर में भेजी जाती हैं, 60 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की। म्यांमार और उसके पड़ोसी ममालिक लाओस और थाईलैंड का मुश्तरका बॉर्डर, जिसे गोल्डन ट्राइंगल भी कहा जाता है, वो ख़ास तौर पर मंशियात की सप्लाई का गढ़ बन चुका है। इस इलाके से जो मंशियात सप्लाई होती हैं वो भी ज़्यादातर म्यांमार से ही आती हैं। म्यांमार की फ़ौज पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो मंशियात की स्मगलिंग में पूरी तरह शामिल है। म्यांमार की बॉर्डर पुलिस और फ़ौज की हमायत याफ्ता मलेशियाज यानी मुसल्ला गैंग बड़े पैमाने पर अफ्यून काश्त करते हैं। बर्मा के म्यांमार के वो तमाम फ़ौजी दस्ते जो सरहदों के साथ तैनात हैं, वो सरेआम अफ्यून और दूसरी मंशियात स्मगल करते हैं। यहाँ की फ़ौज एक तो मंशियात के कारोबार से मुनाफा कमा रही है, दूसरा ये कि वो अपने मुखालफीन को नशे की लत लगाकर कमज़ोर भी कर रही है। म्यांमार में कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो फ़ौज के इन इकदामात के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। वो शिकायत करती हैं कि फ़ौज जानबूझकर उनके लोगों में, अवाम में, उनके अपने मुखालफीन में मंशियात तकसीम करती है। लेकिन ज़ाहिर है दोस्तों, एक मुनज़्ज़म गैंग जो मुल्की दिफा की छतरी तले जराइम कर रहा हो, उससे लड़ना कोई आसान काम थोड़ी है। म्यांमार में तो दोस्तों यही हाल है। तो मंशियात की स्मगलिंग और दूसरे बिजनेस जो म्यांमार की फ़ौज चला रही है, उनसे वो जो दौलत कमाती है, इसे वो अपने मुखालफीन को कुचलने के लिए इस्तेमाल करती है। इसी कारोबार की वजह से म्यांमार पर लगाई गई पाबंदियाँ भी बेअसर हो जाती हैं। यानी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन वगैरह म्यांमार पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाकर जो पाबंदियाँ लगाते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इन पाबंदियों से म्यांमार में आम आदमी तो ज़रूर मुतासिर होता है, मगर फ़ौज को, जो असल गैंग है जो ये सारी स्मगलिंग करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने बिज़नेस से बहुत ज़्यादा माल बना लेती है और अपने अखराजात भी खुद पूरे कर लेती है इन गैर कानूनी नाजायज़ मंशियात के कारोबार से। यूँ बर्मा की फ़ौज को अपने मुखालफीन को कुचलने की एक तरह से पूरी आज़ादी मिल जाती है और वो बेफिक्र होकर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है। दोस्तों, म्यांमार की फ़ौज के ये सारे मुआशी मफादात, यानी इसके कारोबारी इदारे और मंशियात का धंधा इतना फैल चुका है कि इसमें कोई मुदाखलत अब वो बर्दाश्त नहीं करती। अब जाहिर है, अगर म्यांमार में कोई सिविलियन हुकूमत कायम होती है तो कभी ना कभी फ़ौज का सियासी असर कमज़ोर होगा और सिविलियन हुकूमत इसके कारोबार की राह में रुकावट ज़रूर बनेगी। यही वजह है कि म्यांमार की फ़ौज ने पहले मार्शाला के दिनों से ही ये गैर एलानिया पॉलिसी अपना रखी है कि वो किसी मकबूल सियासी लीडर को हुकूमत नहीं बनाने देंगे या आज़ादाना हुकूमत नहीं चलाने देंगे,
जो भी सियासी लीडर मकबूल होगा उसे इतना बदनाम किया जाएगा, उसके आगे इतने मसाइल खड़े किए जाएंगे कि वो मुल्क चलाने के काबिल ही ना रहे। लेकिन मकबूल सियासी लीडर्स को नाकाम बनाना जाहिर है आसान नहीं, क्योंकि अवामी नफसियात ये है कि अगर वो किसी से एक बार मोहब्बत करें तो कम अज़ कम ये मोहब्बत एक नस्ल तक ज़रूर कायम रहती है, और फिर इसे भी अगर ख़त्म करना हो तो इसके लिए किसी ठोस नारे की ज़रूरत होती है जो हकीकत पर भी मबनी हो। तो दोस्तों, म्यांमार की फ़ौज के पास भी एक ऐसा ही नारा मौजूद है, और वो है मुल्क की सलामती या नेशनल सिक्योरिटी का नारा। म्यांमार की फ़ौज ये बात ऐलानिया कहती है कि जब भी मुल्क की सलामती और यकजहती यानी नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को ख़तरा होगा तो वो खामोश नहीं रहेगी, मुदाखलत करेगी। यानी दूसरे अल्फाज में ये कि जब भी म्यांमार के जनरल्स के मुआशी मफादात को ख़तरा होगा तो वहाँ की फ़ौज ये कहेगी कि मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ गई है और वो इक्तदार पर कब्ज़ा करने के लिए हक बजानिब हैं। इसी नारे के तहत फ़ौज बराह रास्त इलेक्शन में भी हिस्सा लेती है। इस मकसद के लिए उसने अपनी पार्टी यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी USDP बना रखी है। इस पार्टी के नाम यानी यूनियन सॉलिडरिटी से ही जाहिर है कि ये पार्टी मुल्क को एक रखने के नारे पर कायम की गई है। अगरचे इस पार्टी को अवामी सपोर्ट बिल्कुल भी हासिल नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अवामी हमायत की ये कमी फौजी ताकत से पूरी हो जाती है। इस बार भी यही हुआ कि गुज़िश्ता बरस नवंबर में इलेक्शन में जब फ़ौज की इस पार्टी को शिकस्त हुई तो फ़ौज इसे बर्दाश्त ना कर सकी, इसलिए फ़ौज ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया है। दोस्तों, म्यांमार में जो कुछ हुआ जाहिर है इसका अवामी रिएक्शन भी होगा। सूची ने भी अपनी गिरफ्तारी से पहले अवाम से अपील की थी कि वो सड़कों पर निकल कर इस फौजी इकदाम के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, लेकिन फ़िलहाल तो म्यांमार से ऐसी कोई ख़बरें नहीं आईं कि वहाँ बड़े पैमाने पर कोई मुजाहरे हुए हों। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये म्यांमार की फ़ौज के लिए कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि उसे पहले भी ऐसे मुजाहरों से वास्ता पड़ चुका है। 1988 में तलबा और आम लोगों ने फ़ौजी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए थे म्यांमार में, लेकिन फ़ौज ने इन मुजाहरीन पर गोली चला दी थी और इस मुजाहरे को, इस एहतजाज को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था। उस कार्रवाई में बहुत से लोग भी मारे गए थे और सैकड़ों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अगर अवाम ने सूची की हमायत में दोस्तों सड़कों पर आने की अब कोशिश की तो आसार यही हैं, अंदाज़ा यही है कि इस बार भी फ़ौज, बर्मा की फ़ौज यही करेगी जो 1988 में किया था। शायद यही वजह है कि अभी तक म्यांमार में कोई बड़ा अवामी रिएक्शन देखने में नहीं आ रहा। अलबत्ता अवाम बर्तन बजा बजा कर और सिविल नाफरमानी की तहरीक चला कर अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा कि अवामी एहतजाज से गासिब हुकूमत पर कितना दबाव पड़ेगा। फ़िलहाल तो म्यांमार में अवाम और सियासतदानों के मुकाबले में फ़ौज का पलड़ा बज़ोर ताकत भारी है। दोस्तों, आपने देखा कि म्यांमार में कैसे फ़ौजी हुकूमत रायामा को कुचल रही है, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ लोगों को अपनी मर्ज़ी का हेयर स्टाइल रखने की भी आज़ादी नहीं है। इस मुल्क के बारे में जानिए और यहाँ जानिए, और यहाँ देखिए कि क्या जनरल ज़ियाउल हक ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन किया था, और ये रही कायदे आज़म के आखिरी लम्हात की दास्तान।